Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 10th March. तो शुरुआत करते हैं आज के important current affairs video की. So आज का जो हमारा first question रहेगा, who has been named as a president of financial action task force, यानी कि FATF के new president किसे नामित किया गया, ये आपने बताना है. Correct answer for this question is T. Raja Kumar. एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, 1 जुलाई 2022 को ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे. एंड तब तक जो प्रेजेंटली कौन है, अभी प्रेजेंटली आपसे पूछ ले कौन है, डॉक्टर मार्कस प्लेयर ही इज़ फ्रॉम जर्मनी एंड डॉक्टर राजा कुमार ही इज़ फ्रॉम सिंगापुर. तो ये आप ध्यान रखें बेसिक डिटेल्स. FATF के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस में मिलेंगे, ओके, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में आपको इसके हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे. तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं. Which country has successfully test fired second military satellite Noor second? तो Noor second का सवाल था, वो पूर्वक परीक्षण किस कंट्री द्वारा किया गया रिसेंटली. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ईरान. ईरान द्वारा परीक्षण किया गया Noor second का. ओके, Noor second एक मिलिट्री सैटेलाइट जो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया. ओके, ईरान की बेसिक डिटेल्स, कैपिटल तेहरान है, ईरान के प्रेजिडेंट याद रख लीजिएगा इब्राहिम रियासी एंड करेंसी ईरानियन रियाल. आगे बढ़ते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनवील्ड ए टॉल स्टैचू ऑफ ग्रेट मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज इन. तो कहाँ पे अनवील्ड किया गया हमारे लाइक मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू, पीएम मोदी जी द्वारा. सो इसको इनॉग्रेट किया गया पुणे में. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर विच रिसेंटली कम्प्लीटेड सी लेवल ट्रायल्स. ओके, ये उड़ भी सकती है एंड पानी में भी चल सकती है ये. ओके, पानी में भी आपको ये लाइक इन केस ऑफ एमरजेंसी, तो ये आपको पानी में भी चलने को देखने को मिलेगी. तो आपको ये बताना है कि इसके इंडिजीनियसली हमने बनाया इसे एंड फ्लाइंग ट्रेनर इसका नाम क्या दिया गया, अभी आपने बताना है. पुडुचेरी में इसने अपनी सफलतापूर्वक परीक्षण किया. सो नेम ऑफ दिस इज हैंगसा एनजी, HANSANG, आप याद रखें. एंड इसको बनाया किसने है, दिस वॉज डेवलप्ड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बेंगलुरु बेस्ड एयरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा. तो हैंगसा एनजी नाम आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर है. विच स्टेट और यूटी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड टीचर्स यूनिवर्सिटी टू प्रिपेयर वेल ट्रेंड टीचर्स. सो टू प्रिपेयर वेल ट्रेंड टीचर्स, सो दिल्ली हैज इनॉग्रेटेड टीचर्स यूनिवर्सिटी. तो ये आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच रिसेंटली इनॉग्रेटेड मेट्रो इज द फर्स्ट मेट्रो इन द कंट्री टू हैव एल्यूमिनियम बॉर्डर बॉडी कोचेस. तो इसकी जितनी भी बॉडी है वो एल्यूमिनियम की बनी है एंड यू नो एल्यूमिनियम अगर सबसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट एलिमेंट हमें कौन सा मिलता है, तो हम एल्यूमिनियम ही मिलता है. ओके, एंड सबसे ज़्यादा तो इस अब नाउ ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है बेसिकली जिसमें जो मेट्रो के कोचेज हैं वो एल्यूमिनियम के बने. तो ये कहाँ पे है जी, कौन सी है जी, दिस इज पुणे मेट्रो, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है पुणे मेट्रो. नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ द फोर्थ जन औषधि दिवस जिसे हमने 7 मार्च को ऑब्जर्व किया गया, ये आपने बताना है किसका थीम क्या था जो 7 मार्च को. ये दो भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डे भी आपका इसमें कवर हो गया 7 मार्च का जन औषधि दिवस. फोर्थ हम उसकी एनिवर्सरी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने की है अभी रिसेंटली बेसिकली. अब आपको ये बताना है इसका थीम क्या रखा गया था. तो इसका जो थीम था जन औषधि जन उपयोगी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 53rd रेजिंग डे ऑफ विच सेंट्रल आर्म फोर्स वॉज ऑब्जर्व ऑन 6th मार्च. तो ये 6 मार्च का भी इंपॉर्टेंट डे आपका कवर हो गया. तो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड इसके डायरेक्टर जनरल अगर आपसे पूछ ले तो शीलवर्धन सिंह, वो आप याद रखें शीलवर्धन सिंह. ओके, नेक्स्ट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज अनाउंस द ओपनिंग ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस मल्टीफेसेटेड डेस्टिनेशन जियो वर्ल्ड सेंटर इन विच सिटी. तो ये पिक्चर से आपको अब जरूर यूट्यूब पे या नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा, काफ़ी ब्यूटीफुल है. दिस इज रिलायंस सेंटर एंड इसे ओपन किया गया, तो काफ़ी बड़ा है. जियो वर्ल्ड सेंटर इसका नाम है. कहाँ पे इसे ओपन किया गया, इसे ओपन किया गया मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मुंबई महाराष्ट्र में. नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, शी इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश, हर नेम इज प्रियंका नताकी. प्रियंका नताकी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज नेम्ड फॉर्मर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक CEO नितिन चुग जो फॉर्मर CEO थे. ओके,
जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एज ए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो एज ए मैनेजिंग डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया इन्हें, किस बैंक का? हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है दिनेश कुमार खेरे, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर। ये फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर बनी है टू अपेयर इन द 6 वर्ल्ड कप्स। तो 6 वर्ल्ड कप में इन्होंने अपेयर किया है एंड ये फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर बनी है, ओवरऑल थर्ड बनी है एंड फीमेल कैटेगरी में ये फर्स्ट फीमेल बनी है। तो आपको इनका नाम बताना है, तो इनका नाम है जी मिथाली राज। बात करेंगे कब कब इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बेसिकली देखो, शी इज़ द ओनली थर्ड क्रिकेटर ओवरऑल टू प्ले 6 वर्ल्ड कप्स आफ्टर सचिन तेंदुलकर एंड जावेद मियांदबाद। अब ये मुझे बताएंगे जावेद मियांदबाद ये किस कंट्री के लिए खेलते थे, ये आपके लिए काम है, ठीक है। अब इनकी बात की जाए, इन्होंने कहाँ कहाँ कौन कौन से क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपेयर किया है। इन्होंने 2005 में अपेयर किया, 2000 में किया, 2005 में किया, देन 9 में, देन 13 में, देन 17 में एंड जो अभी 22 में। ओके, तो ये आप ध्यान रखें एंड अभी जो चल रहा है बेसिकली ये इवेंट कहाँ पे चल रहा है ये भी आप ध्यान रखें, ये न्यूजीलैंड में चल रहा है। एंड हमारा जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में होगा वो कहाँ पे होगा, वो हमारा इंडिया में होने वाला है, वो आप ध्यान रखें। एंड अभी जो T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है 2022 का, तो वो होगा जी हमारा ऑस्ट्रेलिया में। सो डेट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके। ऑन विच डे इंटरनेशनल वुमेंस डे इज ऑब्जर्व्ड, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर हुए अवर एंड देखो स्टार्टिंग वाला पोर्शन भी ज़रूर मैं इंक्लूड करूँगा, आपको मेरी वॉइस से थोड़ी चेंजेस ज़रूर लग रही होगी, बट देखो गैप काफ़ी ज़्यादा आ गया था तो आई डोंट वांट कि अब इसमें ज़्यादा गैप करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप रह जाएगा आपके डेली करंट अफेयर्स में। सो अभी फ़िलहाल तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कंटिन्यूटी के साथ वीडियोज़ प्रोवाइड किया जाए, बाकी जो भी रिमेनिंग है करंट अफेयर जो स्किप हुए वो इन द अपकमिंग डेज आपको इन्हीं क्वेश्चन के साथ साथ वो आपके कवर हो जाएंगे। बट आपको कंटिन्यूटी के साथ वीडियो वॉच करने, करंट अफेयर आपके सारे कवर हो जाएंगे। एंड रिविजन वाला पोर्शन जो आपका फेवरेट पोर्शन भी है, इन जिसमें आपके करंट अफेयर रिविजन हो रिवाइज होते हैं, सो आपके लिए वो जल्दी से जल्दी मैं फिर से शुरुआत करूँगा, जिसमें डेली हम स्टार्टिंग में 5 से 10 क्वेश्चन लेंगे एंड 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपके ऑटोमेटिकली विद डेली करंट अफेयर रिवाइज होते रहेंगे। सो टिल तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड स्टार्टिंग वाला पोर्शन जल्दी ही फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। एंड बाकी जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप देखो आपके लिए स्पेशल ई बुक भी बनाया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लास्ट आपको 14 मंथ के करंट अफेयर का मिल जाएगा अप टू फेब्रवरी, तो वो आप परचेज कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी डेली करंट अफेयर अब आपको डेली ही मिलेंगे एंड बाकी जेके बी एस आई के एग्जाम के एस्पिरेंट्स जो भी हैं वो आप फेब्रवरी तक करंट अफेयर कर सकते हो, मैं ऑलरेडी आपको 2-4 बारी बता चुका हूँ। स्टिल क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे कि सर कब तक करें, तो आप फेब्रवरी तक कर लीजिएगा, मोर देन सफिशियंट रहेंगे। लास्ट 6 मंथ के आप कवर कर लीजिए तो आपके लिए सफिशियंट रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ।